तो हमने लास्ट पढ़े थे डेट डेट टाइम फॉर्मूला। आज करते हैं मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर हैं और इनमें से कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। ठीक है जी, आप चाहते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहे, तो इसके लिए एबीएस का फंक्शन है। ठीक है जी, एबीएस का फंक्शन है हमारे पास। दो फंक्शन जैसा कि मैं कल बता रहा था, सीलिंग और कमेंट, सीलिंग और फ्लोर। ये सर कैपिंग के लिए काम आते हैं, जितना आप नंबर देंगे डिविजुअल बाय उतना नंबर आता रहेगा जब तक इसमें ये नंबर फुलफिल नहीं हो जाता। इसमें ये नंबर पहले ही दिखा देगा, जैसे सात सात के अंदर चल रहा है तो सात का दिखा देगा, अब ये नेक्स्ट सात पे पहुंच जाएगा मतलब 14 कर देगा, 21, इस तरह से चलता है। ठीक है जी, जब हमने कोई नंबर चूज करके सिग्निफिकेंस दे दिया तो ये उसको सात के अंदर है तो सात का देता रहेगा, सात के डिविजुअल के अंदर जिस डिविजुअल के नियर बाय होगा ये वो दे देगा अपर वाले के। और फ्लोर का जो है जिस डिविजिबल के नियर बाय होगा वो लोअर में दे देगा। ठीक है जी, सात जब तक नहीं आया वो जीरो चलता रहा, जैसे कंप्लीट हो गया देन सेवन चलता आ गया और आ गया, फिर 14, फिर 21। ठीक है जी, तो इसको मैंने बताया था अगर आप इसको डिवाइड बाय सेवन कर दें तो ये हमें बता देगा जैसे कौन सा हफ्ता चल रहा है, कौन सा हफ्ता ये चल रहा है, पूरे चल रहा है और कितने पूरे हो गए। ठीक है जी, आपको उसका डेट वाला कल समझ में आया था इसके साथ कैसे सेकेंड सैटरडे ले लिया था उसने? वो कंफ्यूजिंग लग रहा था, वो आ नहीं समझ में नहीं आया था इतना। अच्छा, यहाँ ये तो यहाँ पे तो क्लियर है ना, यहाँ कैपिंग कैसे कर रहा है? हाँ ये समझ में आ गया। ठीक है जी, अब सात का मतलब हो गया इसमें मैंने डेट टाइम जो दिया था वो यहीं से लेकर, एक बार उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसमें फंक्शन था डेट, डेट में ईयर यहाँ यहीं से उठाया था इसने, मंथ भी यहीं से उठाया था और डे में हमने 14 डाल दिया था। सपोज हमें ये उठाना है कि पहला पहला जो है सैटरडे कब पड़ेगा। ठीक है जी, पहला हम ऐसा महीना मान लेते हैं जिस जिसमें एक संडे से शुरू होता है। ठीक है जी, कोई भी महीना हम स्टैंडर्ड अपना मान लेते हैं कि संडे जो एक है हमारा संडे से ही शुरू होगा। ठीक है जी, और इसको मैं कर देता हूं डिवाइड बाय सेवन। को आगे बढ़ने देते हैं, अब की आपके क्लियर हो जाएगा।
से सेवन से। अच्छा यहाँ क्या लगाना था हमने? फ्लोर, फ्लोर लगाना था, डिवाइड नहीं करना, फ्लोर लगाना। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारा पहला महीना संडे से ही शुरू हो रहा है, तो सैटरडे जो है वो मेरा साथ पे है। ठीक है जी, महीने में होते हैं 31 दिन या 30 दिन, जितने भी होते हैं। अब उसमें पहली वैल्यू जो मेरी पड़ेगी वो 7 की पड़ेगी, 7 से डिवाइड करके, तो ये यहाँ पे लेके आ रहा है। 7 चल रहा है पूरा महीना होने तक, 7 ही चलेगा, 31 तक 7 चला, अगले में आ गया 35 नंबर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोर का जो हिसाब किताब है 31 दिन में, वो 7 की कैपिंग में चल रहा है तो 7 पे ही बैठेगा। हमने दिया ही यही है, ये लाइक हमने फ्लोर से 7 में 7 का सिग्निफिकेंस ले लिया। अगर वैसे नहीं क्लियर होता है, आप इसको इतना मान लीजिए कि आपको पहला पहला हफ्ते में कोई भी चीज निकालनी है तो उसका नंबर ले लीजिए, वो 1 से 7 के बीच में। जैसे फर्स्ट सैटरडे यहाँ से आएगा 7 से आएगा, सेकंड सैटरडे यहाँ से आएगा 14 से आएगा, ठीक है, फोर्थ से, थर्ड सैटरडे जो आएगा आपका 21 से आएगा, फोर्थ सैटरडे जो आएगा 28 से आएगा। तो ये हर बार आपको वही डेट रिटर्न करेगा उस महीने में, फिर महीना चेंज करते ही ये। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, डेट कोई भी है, डेट 31 तक जा रही है, पर हमने जो यहाँ डेट के फॉर्मूले में डे फीड कर रखा है वो 7 कर रखा है, कोई भी जा रही है 7 कर रखा है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। यहां से हम क्या ले रहे हैं, ईयर और मंथ ले रहे हैं खाली, ईयर और मंथ। जब तक ये मंथ चेंज नहीं होगा वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, समझ रहे हैं सर? यहां इस डेट का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसको मैं डेट में अगर चेंज कर दूं तो आपको यहां पे जो है फरवरी में चेंजेस दिखाएगा, क्योंकि मंथ हमारा यहां चेंज हो रहा है, और हमारा क्या ले रहा है जो इसमें डेट का फॉर्मूला क्या ले रहा है, ईयर मंथ, मंथ यहां चेंज हुआ, तो यानी 7 फरवरी इसने यहां से लिया, और उसकी न्यूमेरिकल पोजीशन जो होती है वो 35 होती है, ये देखिए, ठीक है जी, 35 मीन्स 4 फरवरी, समझे? नहीं, 31 में 4 35। हम ओके दूसरा नंबर कोई दे ही नहीं रहे हैं इसे, देखिए न्यूमेरिक वैल्यू पे ही एक्ट करता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू पे एक्ट कर रहा है, जो यहाँ पे इसके हमने नंबर रेफरेंस दे रखा है और उसको जिससे हम करवा रहे हैं, इसमें से डिवाइड बाय 7 हटा देता हूँ। ये जैसे जैसे बिहेव करेगा, ये देखिए अब यहां पे क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसे यहां पे 8 मिल चुका है, और यहां तो 8 मिलने ही नहीं दिया हमने, हम उसी 7 की डेट में चला रहे हैं इसे, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें जो वैल्यू चेंज आती है वो सिर्फ नेक्स्ट मंथ में आती है, और नेक्स्ट मंथ में जो वैल्यू आएगी अगर वो 7 के आसपास होगी, 7 से कैप होगी, तो ये वही वैल्यू उठा के दे देगा लोअर वाली, समझे सर की कंफ्यूजन हाँ सर, थोड़ा क्लियर हुआ? ये आप, हाँ क्लियर हुआ। हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अब बस उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाएंगे, एक बार खुद करेंगे तो दिमाग में आ जाएगा, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। सिंपल सी बात है, दो चीजों में आपको समझाता हूं। मैंने
अलग अलग मंथ के ही नाम दे दिए, जैसे एक और 31 के बाद मैंने दे दिया यहाँ पे 34, 35, 36, ये आपको पता है फरवरी में जा रहे हैं है ना, 31 में 28 जोड़ेंगे हम कितना बच जाएगा, 59, तो 60 के पार चले जाते हैं, 61 और 70, इस तरह से चले जाते हैं। अब जरा इनको डेट फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है जी, डेट फॉर्मेट में देख रहे हैं हम, जनरल में वापस ला रहा हूं। अब देखिए इसके अंदर मैं लगा रहा हूं फ्लोर, फ्लोर में मैंने ये नंबर लिया, और जो नहीं नंबर ही मैंने यहां पे, जब मैं 7 लूंगा, नहीं यहीं से वैल्यू लेते हैं, वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि 7 वैल्यू ले रहे हैं कॉमन मान के ना, मतलब यहाँ पे 7 वैल्यू ले रहे हैं, इसका 7 सिग्निफिकेंस कर रहे हैं, ये वैल्यू वहां से पकड़ रहा है, जैसे 7 के मल्टीप्लिकेशन में इसके अंदर इन वैल्यू में 7 का मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू होगी वो लेगा, तो पहली 7 के मल्टीप्लिकेशन में इसके नियरेस्ट ये वैल्यू थी, और इसमें अगले महीने में जो 7 की मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, 35 आ रही है, ठीक है जी, अगले में 7 के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो आएगी यहाँ 63 आएगी, ठीक है, मैं इनमें वही वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ जो 7 के मल्टीप्लिकेशन में है, वहां पे भी मैं यही कर रहा था, तो इसका मतलब हुआ मैंने जब फ्लोर लगाया यहाँ 7, तो जाहिर सी बात है ये वो देगा, इसके अंदर क्या था कि जैसे ही मंथ बदला कोई भी वैल्यू थी, जैसे ही फरवरी वगैरह बदला तो मैंने एक 7 की वैल्यू पास करा दी थी, ठीक है, उसमें मैंने 14 की वैल्यू पास करा दी थी इस डेट में, जो भी होगा वो 7 के मल्टीप्लिकेशन में उसको सेट कर लेगा, सात के मल्टीप्लिकेशन में सेट कर देगा, ठीक है सर, जैसे 5 है तब भी 4 आया, समझे, दोनों को जनरल में कर देता हूं, कुछ भी है 7 के मल्टीप्लिकेशन पे सेट कर रहा है इनको, यही चीज डेट में हो रही है, और 7 का मतलब हो गया हमारा सैटरडे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, हल्का सा आपके से वो रह रहा है, चलिए आगे करते हैं। सीलिंग के बाद मैथमेटिक्स में जो है हमारा अगला फंक्शन है सीलिंग फ्लोर के बाद कॉम्बिन, कॉम्बिन क्या करता है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर प्रोवाइड करता है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और 2, मतलब आपके पास एक मान लीजिए 5 लोग हैं, आपको दो दो के ग्रुप बनाने हैं, दो दो के आपको ग्रुप बनाने हैं, तो आप कितने ग्रुप बना सकते हैं, मतलब कितने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं, तो आपका जो ये नंबर होता है, हमने फर्स्ट नंबर ले लिया, देन सेकेंड नंबर ले लिया, 10 ग्रुप बना सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट, क्या करेंगे जैसे दो दो लड़के छाट लिए, एक बच गया, अब एक को कभी उधर रिप्लेस कर दिया, फिर एक को उसमें से इधर बुला लिया, दूसरे ग्रुप में से एक को उधर से बुला लिया, एक को इधर से बुला लिया, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 4 दें तो ये कितने ग्रुप बना सकता है, 5, वही एक लड़का हर एक के साथ रिप्लेस करता रहेगा, तो जो ग्रुप हम निकल के आएगा, जो 4 का ग्रुप निकल के आएगा वो हर बार 5 बारी तक डिफरेंट होगा, ठीक है जी, हालांकि इनका कोई अच्छा खासा यूज नहीं है, पर फिर भी फॉर्मूले हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम आ जाए कहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ नंबर हैं,
मान लीजिए हमें इवन और ऑड निकालना है किसी नंबर का, हमने देखना है कि जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसको कन्वर्ट करके इवन या ऑड में नियरेस्ट कर दे। तो इवन का फॉर्मूला है हमारे पास, तो एक कोई भी वैल्यू हो उसको नियरेस्ट इवन में कन्वर्ट कर देगा, और ऑड का फॉर्मूला है नियरेस्ट ऑड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ दिखाई दे रहे, यहाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे दिखाई देगा इवन ऑड का फॉर्मूला। अब आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होते हैं? फैक्ट 120 है, फैक्टोरियल क्या होता है? 5, 4, 3, 2, 1 इनको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये हो जाता है फैक्टोरियल। ठीक है जी, एक होता है आपके पास फैक्ट डबल का फंक्शन, फैक्ट डबल का फंक्शन हमने मान लीजिए 5 ही चूज किया। फैक्ट डबल क्या करता है? एक छोड़ के एक मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे पहला एक छोड़ के 3 पे आ गया, फिर एक छोड़ के 1 पे आ गया, ये आ गया। जहां आपकी मैथमेटिक इक्वेशन या कुछ इस तरह के आ जाते हैं, मतलब आपके 10वीं क्लास के सवाल आ गए मान लीजिए, तो आप इन फॉर्मूलाज के थ्रू उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। किसी भी तरह के सवाल आ गए मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। इसमें साइन कॉस ए साइन टैन ये सब भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं इसमें नॉर्मल फंक्शंस बता रहा हूँ जो आपके काम आ सकते हैं। ठीक है जी, एक हमारे पास जीसीडी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, मान लीजिए 18 और 30 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल कौन सा है? 6, मतलब ये वो कॉमन 6 वो कॉमन नंबर है ग्रेटेस्ट वाला, जिससे ये दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, और एक होता है हमारे पास एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, 6 तो था वो हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का करते हैं 12, 4, 12, 8, 24, तो मतलब ये काट के लोएस्ट जिस पोजीशन पे आएंगे एक डिविजिबल से फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एलसीएम और जीसीडी आपने निकाला होगा 10वीं क्लास में या उससे भी पहले। एक देखिए इंट का इसमें फंक्शन होता है, इंट हमने मतलब आपके प्रोग्रामिंग में भी काम आता है, इंटीजर के लिए इंट कहते हैं उसे। इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे, मतलब यहाँ पे अगर मेरे कोई डेसिमल है, डेसिमल पोजीशन है, अगर मैं इंट के अंदर डाल देता हूँ तो ये नंबर को एक तरह से ये जो डेसिमल वैल्यू है इसको ट्रंक कर देगा, हटा देगा। ये राउंड नहीं है, क्योंकि राउंड में क्या होता है 5 से अगर वैल्यू बड़ी होती है तो इसमें एक प्लस हो जाता है। इंट क्या कर देता है? इसको ट्रंक कर देता है, हटा देता है। ठीक है जी, अब मान लीजिए कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक टुडे का फंक्शन होता है जो करंट डेट रिटर्न करता है, एक नाउ का फंक्शन होता है जो करंट टाइम रिटर्न करता है। अब मान लीजिए मुझे खाली टाइम निकालना है,
नाउ के जरिए। मैं क्या करूंगा, इंट के अंदर नाउ डाल दिया, यानी नाउ को, नाउ के फंक्शन को मैं इंट के अंदर नाउ डाल के छोड़ रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। क्या आ रहा है? यहाँ पे नाउ अपनी पूरी वैल्यू डेसिमल के साथ दे रहा है, पर इंट के अंदर वो डेसिमल हट गए, तो डेफिनेटली डेट ही आनी है और टाइम ही बच के आना है, डेसिमल वैल्यू आनी है। जैसे ये वैल्यू है, अब इसको मैं माइनस करता हूँ इंट में जाके, यहाँ डेसिमल हट जाएंगे, बची हुई वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया थोड़ा पढ़े लिखे वाला तरीका, जो इतनी जल्दी तो नहीं समझ आएगा इसे क्या एंट एंट यूज किस लिए हो रहा है। डेट में मान लीजिए अगर आपने एंट लगा दिया तो, और देखते हैं। पाई का फंक्शन है, आपने वो पाई के बारे में सुना होगा, पाई आर टू करते थे हम, किसी वो राउंड की त्रिज्या निकालने, रेडियस वगैरह निकालने के लिए पाई आर टू का था। तो ये पाई की वैल्यू आपको रिटर्न करता है 3.14, 22/7। ठीक है जी, जैसे आपके पास कोई इसका 7 रेडियस का कोई वो है, राउंड है, अब इसको आपको निकालना है, तो इसको पाई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई, पाई आर टू था, तो एक हमारा पावर का फंक्शन होता है। पावर हमने इस निकालने के लिए जैसे स्क्वायर निकालते हैं, इसी तरह से पावर होता है, या कैरेट का साइन मैंने बताया था। आर टू है, आर मेरी ये है, तो मैंने इसको टू यहाँ पे दे दिया, इसकी पावर जो है मैंने यहाँ दे दी, तो पाई आर टू, पाई आगे लगा देते हैं इसके, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यू देख के याद आ रही है सब कुछ, पहले इसी टाइप की वैल्यू आती थी। ये हमारा पहला क्वेश्चन होता था राउंड निकालने में। तो पावर का फंक्शन पावर निकालने के लिए यूज होता है, पावर करने के लिए, जैसे 2 की पावर 3 देनी है, तो हम कैरेट का साइन भी यूज करते हैं, पावर भी इसीलिए यूज होता है, 2 की पावर 3 दे दें। ठीक है, प्रोडक्ट एक फंक्शन है सिंपल, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। प्रोडक्ट एक चूज किया, कॉमा दूसरा चूज किया, ये बस मल्टीप्लाई करता है आपका प्रोडक्ट। एक रैंड का फंक्शन होता है हमारे पास, रैंड का फंक्शन क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है। जैसे मैं यूज करता हूँ जो है वो रैंड बिटवीन है। रैंड का फंक्शन जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, जब भी कोई फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, तो एक के अंदर आपको वैल्यू निकाल के देगा, 0 से लेकर 1 के बीच में आपको बार बार ये वैल्यू रैंडमाइज दिखाएगा। अब रैंड फंक्शन से जैसे और नंबर आपको जनरेट करने हैं, और कहीं भी करने हैं,
इस रेंड फंक्शन को उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी नंबर से, आपके और रैंडम नंबर जनरेशन शुरू हो गए। इसको डाल दीजिए इंट के अंदर, तो आपके 0 से 100 तक के बीच की वैल्यूज आने लग गई। ठीक है जी, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला जो है वो रैंड बिटवीन है। रैंड बिटवीन में क्या करते हैं हम, बॉटम में क्या वैल्यू देते हैं जिससे कम हमें वैल्यू नहीं चाहिए, और 90 जिससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो 10 से 90 के बीच की मैं वैल्यू ऐसे करके जनरेट कर लेता हूँ रैंडमाइज वैल्यू। ये फॉर्मूला जब लगा होता है, जब भी आप कहीं भी शीट में कुछ कैलकुल कोई टाइप करते हैं या करते हैं, यानी कि शीट की कैलकुलेशन होती है, तो ये नंबर अपने आप चेंज होते रहते हैं। इनको फिक्स करने के लिए आप कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज कर दीजिए, जब भी इनके साथ वर्क कर रहे हैं तो, और चाहें तो रैंडम भी रख सकते हैं। अब राउंड के फंक्शन देते हैं। राउंड के फंक्शन हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैंने वैल्यूज ले ली। सबसे पहले हमारा जो है राउंड का फंक्शन है, सिंपल राउंड। इसमें हम डिजिट्स जो होती हैं, नम डिजिट्स, नंबर यहां से चूज कर लिए, नम डिजिट, डेसिमल डिजिट्स कितनी चाह रहे हैं, 2 तक चाह रहे हैं या 0 चाह रहे हैं, डेसिमल डिजिट्स उस पर आपका ये राउंड कर देगा। 5 से ऊपर पे वैल्यू को बढ़ा देगा, 5 से नीचे पे घटा देगा। ठीक है, 0.5 से ऊपर की वैल्यू जो है 1 बढ़ जाएगी इसके अंदर, और अगर 0.5 से नीचे होगा तो वो नीचे वाली वैल्यू दिखाएगा। इनकी बाइफर्केशन है, एक हमारे पास राउंड अप है और राउंड डाउन है, ये दो फंक्शन भी अवेलेबल है। मान लीजिए आप अगर इसको अप में राउंड करना चाहते हैं, मतलब बढ़ा के दिखाना चाहते हैं हर बार, चाहे 0.23 हो चाहे कुछ भी हो, तो ये हमेशा बढ़ा के दिखाएगा, ये राउंड अप। राउंड डाउन जो है आपको डाउन वैल्यू को डाउन में ही लेके जाएगा। ये आपका डाउन में ही लेके जाएगा। इंट का फंक्शन भी यूज करते हैं हम इसीलिए, जो आपका राउंड डाउन की तरह बिहेव करता है। यदि आपको राउंड डाउन करना हो तो आप राउंड डाउन इंट कर सकते हैं। ट्रंक है हमारे पास एक फंक्शन, ट्रंक भी हम इसी सेम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, राउंड के लिए आप इतने सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, राउंडिंग वैल्यूज, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इंट, ट्रंक। एक चीज हमने देखी थी कि नंबर टाइप कर देते हैं, कई बार हमें कंफ्यूजन होती है रोमन लेटर्स में। अब यहां से आपके पास एक रोमन का फंक्शन है जो आपको उसकी रोमन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है जी,
अब ये रोमन वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है, पर 2007 में आपको ये पता है कि इसको क्या कहते हैं? अगर हम इसको रोमन कहते हैं तो ये जो नॉर्मल इंग्लिश के जो भी नंबर्स दिख रहे हैं तो इनको क्या कहते हैं? आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं? इसका जवाब आपको मिलेगा 2000 आई थिंक 10 या 13 में है, 10 में है कि नहीं पता नहीं, पर 13 में जरूर है, उसके फंक्शन में ही उसका नाम छुपा हुआ है। कहाँ गया? मैं इसमें यहाँ पे आपको रोमन लगा के दिखाता हूँ। रोमन से कन्वर्ट करने के लिए जो ये नंबर होता है, ये होता है अरेबिक। ये अरेबिक का फंक्शन होता है आपके पास, इनको कहते हैं अरेबिक डिजिट। ठीक है जी, तो ये भी एक नॉलेज की थिंग है, हर किसी को नहीं पता होता कि ये अरेबिक होता है। चलिए आप मतलब अरब में जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको नंबर यही मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और फंक्शंस देखते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आपको निकालना हो, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, 27 का निकालते हैं। चलिए स्क्वायर रूट किसका निकलता था? 16 का निकलता था। SQRT करके आपके पास फंक्शन है स्क्वायर रूट के लिए, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी का भी। एक आपके पास है सबसे बढ़िया, जो कहते हैं आप लोग फिल्टर यूज करते होंगे कभी ना कभी, मान लीजिए फिल्टर यूज कर रहा हूं मैं। अब इसका टोटल चेक करने के लिए जैसे मैंने कहा ये दो हैं, अब यहाँ पे जो मैंने ना, फिर इनका टोटल चेक करने के लिए मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, यही करते हैं हम लोग सारे। तो आपको एक फंक्शन बताता हूँ, या आपको एवरेज निकालने हो, कुछ भी निकालना हो, जो भी आपकी फिल्टर की रेंज है उससे नीचे आ जाइए एक डिजिट। अब सब टोटल का फंक्शन यूज कीजिए, सब टोटल में आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एवरेज देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं एवरेज सेट करता हूँ। इस पे या तो टैब मार दीजिए या एक टाइप कर दीजिए, वो नंबर जो लिखा हुआ रेफरेंस दे दिया मैंने, सब टोटल यहां से ड्रैग कर दिया मैंने, यहां पे मैंने एवरेज चेक करी इसकी। इधर मैं करूंगा, इधर मैं सम डालूंगा, सम के लिए जो हम यूज करते हैं 9 करते हैं। ठीक है जी, बाकी सब मैं, और यहां पे मैं कर लेता हूं एक काउंट का फंक्शन 2। तो एवरेज सब काउंट मैं अलग अलग तरह से यूज कर सकता हूँ, बाकी सब में मैंने सम डाल दिया। अब जब भी मैं फिल्टर करता हूं कोई भी लेता हूं, तो ये वैल्यू जो आपके सामने दिखती है ये आपकी उनकी दिखेगी जो आपकी सेल्स विजिबल होंगी। ठीक है सर, जैसे इनको सिलेक्ट करके देखेंगे तो 26.51 है,
यहाँ पे वही है, काउंट थ्री दिख रहा है आपको, यहाँ सम आप देख सकते हैं इसका। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे सब टोटल का फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास काफी सारी कई चीज का डाटा होता है, फिल्टर फिल्टर करके हम प्रिंट निकालते हैं, और टोटल जो है हमेशा निकालने में दिक्कत होती है। अगर हमें टोटल वही मिल जाए तो हम डायरेक्ट कितने भी प्रिंट एक ही शीट में लगा सकते हैं फिल्टर करके। तो यहाँ आपको सब टोटल का फंक्शन बहुत फायदा करेगा। आती जाए पढ़ो दर्द। क्या बोल रहा? चलिए थोड़ा सा डेटा को चेंज करते हैं ना, नेम सिटी सेल्स। यहाँ पे मेरे पास कुछ सेल्स डेटा है, मान लीजिए सेल्स डेटा है। अब आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सम एक फंक्शन से। सम एक फंक्शन क्या करता है? सम का फंक्शन आप जानते हैं टोटल करने के लिए काम आता है। सम इफ का फंक्शन आपका सम और इफ का कॉम्बिनेशन है। इसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं। पहले मैं आपको, थर्ड वाला ऑप्शनल होता है, ये जहां आपको बड़े ब्रैकेट दिखे तो इसका मतलब ये ऑप्शनल है, दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑप्शनल इसलिए है सम इफ में, अगर मेरा रेंज और क्राइटेरिया एक ही है, मतलब मेरी यही रेंज है, इसी में मुझे किसी क्राइटेरिया के बेस पे इसका सम चाहिए, तो मैं डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करूंगा रेंज को। क्राइटेरिया जो है मैं इन्वर्टेड कॉमास में दूंगा। जो क्राइटेरिया होते हैं हमारे लॉजिकल होते हैं, मैं देता हूं ग्रेटर देन 50, इस तरह से दे सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास टेक्स्ट की तरह। अब मैंने सम भी इसी का ही करना है, तो मुझे सम रेंज देने की जरूरत नहीं। तो ग्रेटर देन 50 वाले जितने हों वो उसका टोटल मुझे बता दे। इसने 4265 किया। चेक करते हैं, सेल्स में मैं जाऊंगा, नंबर फिल्टर में जाऊंगा, ग्रेटर देन में कर दूंगा मैं 50, और इधर से सिलेक्ट करके देख लूंगा 4265। ठीक है जी, 4265। अब बात रही कि मुझे जो अपनी रेंज है, मैंने देखना है कि जहां पे ये संदीप हो वहां वहां का टोटल बता दे। तो मैं पहले जो रेंज दूंगा वो ये नेम वाली रेंज दूंगा, देन जो क्राइटेरिया लगाऊंगा, अब क्राइटेरिया एक तो लॉजिकल वैल्यूज के रूप में दिया हमने, दूसरा हम यहां से दे सकते हैं डायरेक्ट, जैसे नेम दे दिया। अब यहां पे मुझे सम रेंज की जरूरत है, सम रेंज दे दूंगा। ठीक है जी, तो जहां जहां संदीप है उस उनके आगे जो वैल्यूज है उनका टोटल है 1031। अब मैं क्राइटेरिया यहां से लेता हूं, चलिए इसको आगे ले लेता हूं। यहाँ पर मैं सिटी दे देता हूँ कि जहां जहां पलवल भी है। अब मेरे पास आ गए दो क्राइटेरिया। अब इसमें तो जगह है नहीं, ए मेरे से तो रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज पूछ रहा है खाली, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा सम इफ्स। सम इफ्स में
इसमें क्या करना है, हमें पहले सम रेंज लेना है। उसमें क्या था, हमें लास्ट में सम रेंज लेना था, इसमें पहले। इसने कहा कि पहले मुझे दे दो, बाकी जो मर्जी बाद में करो आप। मैंने सम रेंज ये ले ली। अब बोला, मैंने कहा पहला क्राइटेरिया क्या है, उसने कहा क्राइटेरिया की रेंज दो। क्राइटेरिया रेंज मैंने दे दी, कहा पहला क्राइटेरिया है संदीप, यहाँ से ले लिया। देन फिर क्राइटेरिया टू की रेंज मांगी, मैंने कहा ये सिटी में जो होना चाहिए, कॉमा देके यहाँ से पलवल चूज कर लिया। ठीक है जी, तो दो क्राइटेरिया के बेस पे अब ये मुझे रिजल्ट रिटर्न करेगा 340। आप इसमें दो ही नहीं, जिस तरह देख रहे हैं आपने देखा कि पहले सम रेंज ली थी हमने, सम रेंज दे दी, फिर क्राइटेरिया रेंज वन देन क्राइटेरिया वन दीजिए, क्राइटेरिया रेंज टू देन क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया रेंज थ्री, इसी तरह से आप आगे तक बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ, संदीप सत्येंद्र हूँ, बताइए। अच्छा, एक्सेल ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। आज सर मैं 10 मिनट में वापस कॉल करूँ, 10 मिनट में वापस कॉल करूँ, ठीक है। तो ये हम सम एक वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक फंक्शन बचता है इसमें, सम प्रोडक्ट। मान लीजिए ये रेट है, ये क्वांटिटी है, यहां आपको अमाउंट चाहिए। यहां पे कोई क्वांटिटी दे दी मैंने, कम कर लेते हैं इसको। अब इसमें क्या करते हैं, इस अमाउंट को निकालने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अमाउंट निकाल लिया मैंने, देन यहां पे मैंने सम कर दिया टोटल। ठीक है जी, पर मैं ये मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहता और ये भी नहीं करना चाहता टोटल। मैं चाहता हूं कि एक ही जगह बस मुझे यहां पता पड़ जाए इसका। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट में आप दो रेंज लेंगे या तीन लेंगे, वो पूरी की पूरी रेंज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहली रेंज ली मैंने, दूसरी रेंज ली, अब ये क्या करेगा, इन दोनों को एक एक मल्टीप्लाई इसी तरह से करेगा, लास्ट में टोटल कर देगा। तो टोटल रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा मैथ फॉर्मूला। ठीक है जी, तो आज के लिए विदा लेते हैं। ठीक है।